हे गाइस, बॉडी बिल्डिंग अपडेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट लेके मैं आप सभी लोगों के लिए आ चुका हूँ। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल भी जरूर से प्रेस कर लेना। एंड नाउ हम लोग बढ़ते हैं आज की अपनी पहली अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले अपने हिमांशु शर्मा भाई के बारे में। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इनकी साइड से इनका प्रेजेंट टाइम का फिजिक, प्लस इन्होंने रिसेंट में ही कॉम्पीट किया था NPC वर्ल्ड वाइज शो के अंदर, जिसमें कि इन्होंने अपनी कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल अचीव किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिमांशु शर्मा भाई फॉर अचीविंग गोल्ड मेडल। एंड ऑल्सो गाइस, जिस हिसाब से उन्होंने साइज के साथ साथ अपनी कंडीशनिंग में भी इम्प्रूवमेंट की है, वो गाइस आप लोग साफ तौर पर देख सकते हो आखिरकार वो कैसी फिजिक को कैरी कर रहे थे ऑन स्टेज। एंड डेफिनेटली सेरो क्लासिक के अंदर वो और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाएंगे। सो लेट्स सी उनका फाइनल पैकेज कैसे रहता है सेरो क्लासिक का, क्योंकि इसके बाद मोस्ट प्रॉबली हम लोग को डायरेक्टली वो सेरो क्लासिक के अंदर ही कॉम्पीट करते हुए नजर आएंगे। सो लेट्स सी। एंड नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने युद्धवीर दागर भाई के बारे में। तो युद्धवीर दागर भाई की साइड से उनका प्रेजेंट टाइम का फिजिक अपडेट जो है वो मैं आप सभी लोगों के लेके आ चुका हूँ। फिलहाल में आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से उनका जो एब्डोमिन है वो विजुअलाइज हो रहा है। एंड ऑल्सो उसके साथ साथ जो जितने बेहतरीन उनके एब्स एंड डीप एब्स अभी आप लोग को नजर आ रहे होंगे, उतने ही बेहतरीन आप लोग को उनके ऑब्लिक्स देखने को मिलेंगे। यानी कि इनका जो कोर एरिया उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी है प्रीवियस ईयर से। एंड आप लोग साइज वाइज भी देख सकते हो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा उनकी जो चेस्ट है वो राउंडनेस एंड फुलनेस कैरी कर रही है। उनके शोल्डर पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा 3D शेप में आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली युद्धवीर दागर भाई प्रीवियस ईयर से काफी ज्यादा इंप्रूव्ड कर चुके हैं खुद को। एंड आने वाले टाइम के अंदर जब वो सेरो क्लासिक के अंदर कॉम्पीट करेंगे तो और भी ज्यादा इंप्रूव्ड कर लेंगे। सो लेट्स सी। एंड नाउ अब लोग बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं वर्धन मनोत्रा भाई के बारे में। तो वर्धन मनोत्रा भाई की साइड से उनका जो फिजिक अपडेट है वो मैं लेके आप सभी लोग के आ चुका हूँ, लेकिन उन्होंने कंप्लीट फिजिक अपडेट जो है वो शेयर नहीं किया, बस वो अपना कोर एरिया। एंड ऑल्सो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़ी सी झलक उनके चेस्ट की भी। फिलहाल में हम लोग बात करेंगे उनके एब्डोमिन एरिया को, जो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा शार्प डीप एप्स अभी आप लोग को देखने को मिलेंगे वर्धन मल्होत्रा भाई के साथ में। अब वर्धन मल्होत्रा भाई के एब्डोमिन एरिया से आप लोग उनके प्रेजेंट टाइम की कंडीशनिंग का अंदाज़ा लगा सकते हो कि 5 वीक्स पहले उनकी जो सेरो क्लासिक उनकी जो दिल्ली प्रो शो के लिए जो फिजिक है, जो कंडीशनिंग आने वाली है वो कैसी रहेगी इस बार। एंड मेरे को लगता है इस साल के एंड तक वो मिस्टर ओलंपिया क्वालिफिकेशन भी अचीव कर लेंगे। वेल, आप लोग का थॉट्स एंड ओपिनियंस है आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाद बाकी आप लोग फिजिक कैसी लगी कमेंट करके बताना। अब नाउ हम लोग बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स एंड उनकी न्यूज़ रिगार्डिंग, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं रेगन ग्रेम्स के बारे में। तो रेगन ग्रेम्स की साइड से उनका प्रेजेंट टाइम का कंप्लीट फिजिक अपडेट शेयर किया जाता है। एंड यहाँ पे वो आप लोग को साफ तौर पे दिखेगा रेगन ग्रीम्स अपनी गेनिंग मोड में चल रहे हैं। एंड वो उन्होंने हम लोग को बताया है कि वो 20 LBS उनका एम है इस बार, साइज ज़्यादा ऐड करना ऑन स्टेज, 20 LBS ज़्यादा आना। एंड यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो तो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा साइज वाइज इम्प्रूवमेंट कर चुके हैं। एंड ऑल्सो वो इतना ज़्यादा बल्की में नहीं जा रहे, जिसके साथ में जो प्रीवियस ईयर उनके साथ में जो प्रॉब्लम हुई थी कि वो इतना ज़्यादा बल्क कर गए थे कि उनकी जो कंडीशनिंग है ऑन स्टेज आई नहीं थी। एंड एक बार नाथन दियासा से बहुत कड़ी हार का सामना भी करना पड़ा था। एंड लोग तो ये भी मानते हैं कि उसके साथ में जो दूसरा भी शो उन्होंने कॉम्पीट किया था उसमें भी नाथन दियासा ही विनर थे, लेकिन रेगन ग्रीम्स को विनर बना दिया गया, जिसकी वजह से वो लास्ट शो में क्वालिफिकेशन अचीव कर गए थे मिस्टर ओलंपिया की। सो लेट्स सी इस बार कैसा पैकेज वो लाते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग बढ़ते हैं आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने करंट टाइम मिस्टर ओलंपिया मेंस फिजिक चैंपियन रायन टेरी के बारे में। तो गाइस इन्होंने अपना एक फिजिक अपडेट जो है वो गाइस शेयर किया है। अभी ये मेरे को कहीं से भी कहीं तक कंफर्म नहीं है कि उनका रिसेंट कहीं अपडेट हो सकता है या फिर कुछ और, बट उन्होंने ये अपडेट शेयर किया है तो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पहले के मुकाबले उनका जो साइज़ है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। खास तौर पे इम्प्रूवमेंट तो हम लोग को देखने को नहीं मिलेंगे। अभी ऐसा भी हो सकता है कि रिसेंट का अपडेट हो लेकिन ज़्यादा पुराना अपडेट हो, यानी कि मिस्टर ओलंपिया के बाद में, चांसेस तो यही है।
बट जिस हिसाब से इरन बैंक्स ने गाइस मैंने आप लोगों को कल के अपडेट के अंदर दिखाया था, जिस हिसाब से इरन बैंक अभी से इम्प्रूवमेंट करते हुए आ रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि रायन टेरी दोबारा से अपना खिताब जो उन्होंने प्रीवियस ईयर जीता था वो अपने नाम कर सकते हैं। हालांकि वो कितना भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लें, मेरे को नहीं लगता इस बार इरन बैंक्स को वो हरा सकते हैं जिस हिसाब से इरन बैंक्स अब हम लोग को दिख रहे हैं। आप लोग क्या लगता है मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, आप लोग क्या थॉट्स एंड ओपिनियंस हैं, एंड जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी वो भी जाके देख सकते हो। सो गाइज आज की इस वीडियो में सिर्फ इतनी अपडेट्स थे, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को और भी जरूर से प्रेस कर लेना, एंड मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर ऑल।